शेख दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली के सभी ग्रह जब राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाते हैं तो ग्रहों की इस स्थिति को काल सर्प योग कहा जाता है। आज हम बात करेंगे शंखचूड काल सर्प योग के बारे में। यह काल सर्प योग अत्यंत प्रभावी होता है। जन्म कुंडली के नवम भाव से तृतीय भाव के मध्य सभी ग्रह के आ जाने के कारण बनने वाला योग शंखचूड काल सर्प योग कहलाता है। इस योग के प्रभाव के कारण जातक का भाग्य उदय बड़े ही देर से होता है। इन जातकों का किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना या तरक्की हासिल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्य क्षेत्र में इन जातकों को बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे जातक यदि व्यापारिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं या अगर व्यापार कर रहे हैं तो इन जातकों को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। यदि जन्म कुंडली में शंखचूड काल सर्प योग अत्यधिक प्रभावी है तो ऐसे जातक को राज्य द्वारा दंड मिलने का भय हमेशा लगा रहता है। इन जातकों से सगे संबंधी हमेशा नाराज ही रहते हैं। साथ ही इन जातकों को अपने किसी निकट संबंधी के द्वारा विश्वासघात झेलना पड़ता है। प्राय ऐसे जातक मानसिक तनाव से ग्रसित होते हैं। अगली जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।